गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आज आपको 3 नंबर का एवरेज फाइंड करने के लिए सूडो कोड में प्रोग्राम बताते हैं कि हम 3 नंबर का एवरेज फाइंड करने के लिए सूडो कोड में किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें हम प्रोग्रामिंग करने के लिए स्टेप का यूज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप स्टार्ट लेते हैं, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्टिंग होता है यहाँ से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट स्टेप हमारा प्रोग्रामिंग करने का स्टार्ट होता है। प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इनपुट वैल्यू लेते हैं, जो स्टेप सेकंड है, जिसमें ए बी सी 3 इनपुट वैल्यू लिए गए हैं। इसके बाद हम थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप में टोटल दिया गया, टोटल बराबर 1a+b+c, तो इसमें हम टोटल कर सकते हैं। टोटल करने के बाद हम फोर्थ स्टेप लेते हैं, एवरेज। एवरेज बराबर टोटल अपॉन 3। हम एवरेज निकालने के लिए जो टोटल होता है उसमें जितनी संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है उसको डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम प्रिंट एवरेज, प्रिंट को एवरेज को प्रिंट कर देते हैं। और एवरेज प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा एंड होता है, जहां पर प्रोग्राम का एंड हो जाता है। इस प्रकार से हम 3 नंबरों का एवरेज निकालने के लिए सूडो में कोडिंग कर सकते हैं। ये सूडो कोडिंग और फ्लो चार्ट से कुछ आसान होती है। इसमें हमें सिर्फ ये हमारी लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको 1 से 10 नंबर का सम प्रिंट करते हैं कि 1 से 10 नंबर किस प्रकार से हम सम कर सकते हैं। लास्ट प्रोग्राम की तरह इसमें भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग स्टार्ट स्टेप से करते हैं। स्टार्ट स्टेप से करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम काउंट इज टू 1 एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जो हम काउंट कर रहे हैं वो हमें 1 से स्टार्टिंग होगा। और थर्ड स्टेप में हम सम इज टू 0 लेते हैं, क्योंकि हमारा जो हमको सम करना है तो स्टार्टिंग कोई सम नहीं होता तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम सम इज टू 0 डिफाइन करते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ काउंट लेस देन एंड इक्वल 10, यदि हमारी जो काउंट नंबर है वो 10 से कम है या ज़्यादा है। ये हमें कंडीशन इसमें लगाई, यदि वो हमारे पास 10 से कम है तो ये कंडीशन ट्रू है तो हम गो टू 5 स्टेप पहुँचेंगे, यदि कंडीशन फॉल्स है तो हम 6 स्टेप पर पहुँचेंगे। 5 स्टेप में सम इज टू सम प्लस काउंट, सम में एक काउंटिंग वैल्यू ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद हम ये कंडीशन फास थी तो क्या हुआ, हम पहुँचे 6 स्टेप पर। 6 स्टेप पर पहुंचने के बाद हम काउंट इज टू काउंट प्लस 1 कर देते हैं, काउंटिंग में एक नंबर ऐड हो जाता है। इस प्रकार से अब काउंटिंग का नेक्स्ट नंबर 1 के स्थान पर 2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ऐड हो गया है। फिर उसके बाद हम गो टू स्टेप 4, हम फिर 4 स्टेप पर जाएंगे। 4 स्टेप पर फिर कंपेयर करेंगे कि आपकी वैल्यू 10 से मोर देन है या लेस देन है। यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 5 पर जाएंगे, कंडीशन फॉल्स है तो स्टेप 6 पर जाएंगे। इस प्रकार से जब कंडीशन ट्रू हो जाती है, सत्यापित सही होती है, तो हम नेक्स्ट स्टेप 8 यूज करते हैं, प्रिंट सम। सारी वैल्यूओं का इस प्रकार से हम सम कर सकते हैं। ये कंडीशन हमारी जब तक चलती है कि जब तक आपकी वैल्यू 10 से मोर देन ना हो। और इस प्रकार से हम लास्ट स्टेप एंड का यूज करते हैं, जिसमें हमारा प्रोग्रामिंग एंड हो जाती है। इस प्रकार से हम 1 से 10 तक के नंबर्स का हम सम प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रिंटिंग में हम 1 से 10 ले सकते हैं और 1 से 100 भी ले सकते हैं, डिपेंड हमारे ऊपर करता है यूजर को कितने नंबरों का सम चाहिए।